तो हेलो गाइस, वेलकम टू BWN ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल घूमने, तो वही आपको दिखाएंगे। तो गाइस, हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करके चलो वीडियो को स्टार्ट करते, और हम उधर जाके आपको अंदर से कैसे लगता है, बाहर से कैसे लगता है सब दिखाएंगे। और हम इधर से सीधा गांगपुर स्टेशन पर जाके उधर से ट्रेन पकड़ेंगे, फिर हावड़ा स्टेशन पर उतरेंगे। तो हम हावड़ा स्टेशन पर उतर के अपना वीडियो स्टार्ट करते, ठीक है गाइस? चलो। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं ये गांगपुर स्टेशन, इधर से हम ट्रेन पकड़ लिए हैं। अभी ये ट्रेन जाएगा हावड़ा, हावड़ा जाके फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या सीन है इधर। तो हमारी ट्रेन भी छूट चुकी है, तो चलो हावड़ा जाके फिर से स्टार्ट करते हैं। तब तक आप नज़ारे देखिए। तो गाइस, हम घुस चुके हैं हावड़ा स्टेशन में। वो जो देख रहे हैं हावड़ा स्टेशन, वो जो हावड़ा स्टेशन है उधर ट्रेन खड़ी है बहुत सारी। इधर से जो हावड़ा स्टेशन, ये है वेस्ट बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन। जो पहला है वो है शियालदा, ठीक है, और दूसरा ये हावड़ा। तो चलिए, अभी घुस चुके हैं हम हावड़ा स्टेशन में, नीचे उतर के फिर आपसे फिर से बातें करेंगे। फिर से अभी हम उतर रहे हैं, हावड़ा ब्रिज भी दिखाएंगे आपको। तो उतरते हैं, उतर के फिर से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो गाइस देख सकते हो, हम हावड़ा स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ये रहा हावड़ा स्टेशन, तो सामने चलो गाइस, आपको दिखाते हैं कि हावड़ा ब्रिज दिखाते हैं हम लोग। बहुत देर बाद, 3 घंटे लग गया यहाँ तक आने में गाइस। और ये रहा हमारा फ्रेंड्स, एक वो है, हम 3-5 दिन लेकर जा रहे हैं हम घूमने गाइस। तो ये रहा हमारी हावड़ा ब्रिज, जो कि बहुत फेमस है। और गाइस सब कहते हैं कि ये जो ब्रिज है, ये एक नट पर टिका हुआ है, ठीक है। तो अगर वो नट खोल दिया तो गाइस पूरा ब्रिज टूट जाएगा, कहती है। और हमें सच या झूठ ये मालूम नहीं, लेकिन गाइस हम सुना है ऐसा। और गाइस आपको अगर पता हो ये सच या झूठ, तो कमेंट में ज़रूर बोलना गाइस, ठीक है। तो गाइस अब हम इधर से बस को पकड़ेंगे और सीधा हम जाएंगे कि विक्टोरिया जाएंगे सीधा इधर से। तो गाइस आप ब्रिज को देखो, नजारा है गाइस, अमेजिंग ब्रिज है। तो गाइस हमें मिल गई है बस, अब हम बस लेके जा रहे हैं पूरा विक्टोरिया मेमोरियल घूमने। तो अभी हम जा रहे हैं हावड़ा ब्रिज के एकदम हावड़ा ब्रिज के ऊपर से। तो देख सकते हैं चारों तरफ लोग, जो बहुत लोग हैं। और सामने जो है वो है माँ गंगा। और गाइस हम ये ब्रिज पैदल ही पार कर सकते थे, लेकिन बहुत धूप की वजह से हम ये ब्रिज को बस लेना पड़ा हमें, नहीं तो हम पैदल जाके आपको पूरा ब्रिज अच्छे से दिखाता। और ये नदी भी दिखा देती है, गंगा नदी है। तो गाइस चलो इस बस पर, बस की मजा लो। और देखो गाइस इस ब्रिज को देखो, ज़रा नज़ारा देखो गाइस। और हमने सुना है कि गाइस ये ब्रिज एक नक पर टिका हुआ है, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये बात पता है तो गाइस हमें ज़रूर बताना कमेंट में कि कहाँ पर वो नट है, हमने कभी देखा नहीं और सुना है बस ये। और गाइस अगर आपको पता है तो कमेंट में बोलना ज़रूर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल। वो जो सामने आप देख रहे हैं वो है विक्टोरिया मेमोरियल। ये आसपास हमारे दोस्त भी आए हैं कुछ, वो देख रहे हैं आप, वो है विक्टोरिया मेमोरियल, जो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले जो थी ना रानी विक्टोरिया, वो यहाँ पे बना के गई थी। और गाइस जिसके लिए ये पैलेस बनाया हुआ है तो वो तो देख नहीं सका, लेकिन गाइस उसकी बदौलत में हम देखने आ गए, ठीक है गाइस। तो चलो गाइस हम इसको देखते हैं। लेकिन गाइस इतनी गर्मी है ना, और इतने धूप की वजह से यहाँ लोग बहुत कम है, ठीक है। शाम के टाइम पर यहाँ पर भीड़ जमती है, लेकिन गाइस अभी देखो पूरा ये जो एरिया है पूरा खाली है, ठीक है। ज़्यादा लोग नहीं है इस धूप की गर्मी की वजह से, बहुत लोग यहाँ पर कम है। और वो जो सामने देख रहे हो ना, 3 बंदे जा रही है गाइस, वो हमारी फ्रेंड है, ठीक है। एक तो स्कूल से भाग के आ गई थी गाइस, हमने बोला कि तू स्कूल जा, बोला कि नहीं हम विक्टोरिया देखने जाएंगे, स्कूल बाद में जाएंगे, ठीक है, कल जाएंगे, आज नहीं जाना है। तो स्कूल बंक करके आ गया साला विक्टोरिया देखने, ठीक है गाइस। तो गाइस देख सकते हो इधर का नज़ारा बहुत शानदार है, लेकिन लोग बहुत कम है गाइस।
यहाँ पर जो भीड़ होना चाहिए था, हमने सोचा कि बहुत भीड़ मिलेगा हमें, पर इधर तो एकदम खाली मिला हमें। ठीक है गाइस, और गाइस हमें आखिर में अगर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिखाएंगे गाइस, तो यह जो यहाँ पर जो एक खास जगह है वहाँ पर अच्छे अच्छे कपल है, शायद हमें देख सके वो। तो गाइस चलो अच्छे से आपको घूम के दिखाते, ठीक है गाइस। तो गाइज हम घुस चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर, और ये जो रूम है इधर है फ़ोटो का कलेक्शन जब ये विक्टोरिया बन रहा था उस वक्त का। तो इधर देख सकते हैं आप कैसे कैसे विक्टोरिया बना है, कैसे कैसे करके विक्टोरिया बना है, कब कब क्या क्या हुआ है। तो गाइज देखो अच्छे से देखना, और आगे भी आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। चलो गाइज, और देखो वो छोटा सा मिनी जो उसको मिनी विक्टोरिया है गाइज, उसका फोटो लगा हुआ है। पूरा जो विक्टोरिया है ये पूरा माहौल का एक फ़ोटो लगवा हुआ है, और इसका छोटा सा एक मॉडल भी बना हुआ है। ठीक है, तो गाइज आपको वो थंबनेल में मिल जाएगा। तो गाइज ये जो ड्रेस दिख रही है ये है राजा का ड्रेस, तो ये ड्रेस बहुत पुराना है मुझे लगता है। और ये जो गन देख रहे हैं ये गन है राजा का गन, शॉर्ट गन जिसको बोलते पबजी में शॉर्ट गन बोलते इसको। तो देखते हो और क्या है इधर, इधर फोटो की कलेक्शन बहुत किया हुआ है। ठीक है गाइस, अगर लेकिन गाइस ये जो फोटो लगा हुआ है इसके इसमें से 90% के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, हमें जितना पता है हम आपको बोल रहे हैं उतना, और गाइस अगर आपको पता है तो कमेंट में बोलना ज़रूर। ठीक है गाइस, तो देखो गाइस फोटो की बहुत सारी कलेक्शन है इधर। तो उधर जो एक ताजमहल भी था, और ये जो है हमारा दोस्त है देख सकते हो फोटो खींच रहा था, और अभी हम आपको ले जा रहे हैं एक बहुत अच्छी। तो गाइस ये देखो हम जो मॉडल के बारे में बता रहे थे यही है वो छोटा सा विक्टोरिया। ठीक है, और ये बड़ा सा जब हमारे यहाँ युद्ध हुआ था तो उसका फोटो है। ठीक है, राजा के साथ उसका मंत्री भी बहुत कुछ है, हमें उतना तो नहीं पता है। ठीक है गाइस, हमें जितना पता है हम उतना ही बोल रहे हैं गाइस। तो देखो गाइस और सामने गाइस आपको एक जहाज़ भी मिलेगा। ठीक है, तो ये जहाज़ शायद राजा की थी, जहाज़ बोलना कम होगा गाइस, ये टाइटेनिक बोलना ज़्यादा होगा जहाज़ कम टाइटेनिक ज़्यादा लगे, शायद ये टाइटेनिक ही है जाए। नहीं डायरेक्ट नहीं है, बहुत पुराना जहाज़ है, राजा जब इस जहाज़ में नदियों में घूमते थे तब के टाइम में टाइटेनिक मिलता था, नहीं मिलता था। तो गाइस अभी आप देखिए एक प्यारा सा चीज़, ये जो देख सकते हैं आप लोग ये है राजा का गन कलेक्शन। ये सारे गन है, राइफल है, 9mm गन है, कुछ शॉट गन्स है, ये रहा उसका गोली, उसका सेल गोली सब कुछ इधर अच्छे से रखा हुआ है। ठीक है, तो गाइस ये क्या है, ये शॉट गन है लगता है, ये जो राइफल है, पिस्तौल है ये। तो गाइस आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो विक्टोरिया मेमोरियल में आपको कौन सी चीज़ यूनिक लगे तो वो हमको कमेंट कर देना नीचे। और गाइस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और गाइस आपको कुछ यूनिक लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और हो सके तो आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्त के साथ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।